कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं आपको ये भी हम बता देते हैं। तो पहले तो है कि आपका अलॉटमेंट लेटर इशूड बाई UPSC 2019, मतलब आपने जो सीट कंफर्म करी होगी तो आपको अलॉटमेंट लेटर मिला होगा, वो अलॉटमेंट लेटर लेके जाना, ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड ऑफ UPSC, इफ़ एडमिट कार्ड इज सबमिटेड एट काउंसलिंग सेंटर देन फोटोकॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, मतलब जो आपका एडमिट कार्ड है उसकी फोटोकॉपी, जो आपने UP2 का एग्जाम दिया होगा उसका एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी लेके जानी है, ठीक है। और तीसरा क्या ले जाना है आपको, तीसरा ले जाना है ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल प्रूफ ऑफ एज, मतलब जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो ले जाना है। बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं कि उनके पास 10th का सर्टिफिकेट तो है नहीं, सिर्फ मार्कशीट है। तो फ्रेंड वो स्टूडेंट जिन स्टूडेंट ने 2015 के बाद हाई स्कूल किया है या 10th किया है CBSE बोर्ड से, तो उनका क्या है, उनका जो मार्कशीट है उसी मार्कशीट में ही लिखा होगा सर्टिफिकेट कम ग्रेड शीट, ठीक है। तो वही आपकी समझ लीजिए जो आपकी मार्कशीट है वही आपका सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो आपको अपनी 10th की मार्कशीट लेके जाने होगी। और फिर उसके बाद क्या दे रखा है, ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10+2 डिप्लोमा इंजीनियरिंग, मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए होंगे तो 10+2 के हिसाब से लिए होंगे, मतलब 12th की मार्कशीट लेके जानी है आपकी ओरिजिनल मार्कशीट, और अगर आपकी लेटरल एंट्री हो रही है तो आपको डिप्लोमा की भी मार्कशीट लेके जानी होगी, ठीक है। इनकी सबकी फोटोकॉपी लेके जानी, ओरिजिनल करेक्टर सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इशूड बाई हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, मतलब आपका जो ओरिजिनल करेक्टर सर्टिफिकेट होगा वो लेके जाना है, ठीक है। ओरिजिनल ट्रांसफर और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब TC भी लेके जाना है, करेक्टर सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, और ये सब आप कैसे लेके जाना है, ये सब आपका ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ ऑप्टेड फॉर रिजर्वेशन, कैटेगरी सर्टिफिकेट क्या होता है फ्रेंड, आपका कास्ट सर्टिफिकेट कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट कहते हैं अगर आपने कोई रिजर्वेशन ऑप्ट किया होगा, ठीक है। सब कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल होगा तो ले जाना है। वेटेज कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल, वेटेज कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर लेके जाना, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट ऑन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ UPSC 2018, एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी होता है फ्रेंड, वो भी आपको लेके जाना होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या होता है, मतलब एक गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ से आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट इशू कराना होगा, ठीक है। वो मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना होगा। इनकम सर्टिफिकेट फॉर दोज कैंडिडेट हुज पेरेंट्स एंड गार्जियन एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्स 2 लाख से कम है, जिनकी मतलब यहाँ पे क्या देखा है, वो स्टूडेंट जिनकी फैमिली इनकम 2 लाख से कम है पर ईयर, उनको इनकम सर्टिफिकेट लेके जाना है। और SC ST के स्टूडेंट को जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है उनको भी इनकम सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। रिसिप्ट ऑफ फी डिपॉजिटेड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, जो काउंसलिंग के टाइम आपने फीस जमा करी होगी उसकी रिसिप्ट भी लेके जानी है, ठीक है। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेके जाना है। एफिडेविट इन केस ऑफ गैप ऑफ स्टडीज, आपको एफिडेविट भी लेके जाना है अगर आपका कोई गैप हुआ है। गैप का मतलब क्या है, अगर 12th और ग्रेजुएशन के बीच में आपका कोई गैप है, मतलब जैसे 12th आपने किया होगा 2018 में आपने कंप्लीट कर लिया होगा और ये क्या चल रहा है, ये आपका 2019 चल रहा है, तो 1 साल का गैप हो गया ना बीच में, आपने 18 में ही तो एडमिशन लिया नहीं था, तो आपको एक ईयर गैप एफिडेविट फॉर्मेट में एफिडेविट लेकर जाना होगा, ठीक है। हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे हमने बताया हुआ है कि ईयर गैप एफिडेविट फॉर्मेट कैसे बनता है, वो भी जाके आप देख सकते हैं, या उसका लिंक आपको हो सकता है नीचे वीडियो में मिल जाए। अगर आपको नीचे नहीं मिलता है तो आप हमारे चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मेंशन्ड अबव, मतलब ये जो आपने ऊपर ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इनके क्या करना है, इनके 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी, 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी का क्या मतलब है, ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट बताए हैं इनके सभी के जो ओरिजिनल बताए हैं वो ओरिजिनल, और जो फोटोकॉपी बताया वो फोटोकॉपी, सबको क्या करना है 2 सेट, मतलब दो दो सेट, जैसे आपके मार्कशीट है उनके 2 सेट बना लिए, सबके दो दो सेट बना के आपको फोटोकॉपी एक सेल्फ अटेस्ट कर लेना है, एक ऐसे रखना है और लेके जाना है, ठीक है।